मिखाइल ताल की एक और गेम ग्योजो फोरिंतोस के बीच में और मिखाइल ताल के बीच में अस्तालोस मेमोरियल सिक्स में खेला गया था, वहाँ पर हुआ था और 1963 की बात है जब ये गेम खेला गया था। मिखाइल ताल वाइट पीसेस के साथ हैं और ग्योजो फोरिंतोस खेल रहे हैं ब्लैक पीसेस के साथ। गेम शुरुआत होते हुए मिखाइल ताल द्वारा e4 e5 आ गया है फोरिंतोस की तरफ से, नाइट को बाहर निकालते हैं और ये रुई लोपेज कैसलिंग कर लिया ताल ने। बिशप पर अटैक, सेंट्रल खुलवाने की चेष्टा में थे ताल, लेकिन बिशप ही ले लिया है फोरिन तो उसने। तो यहाँ पर अपने नाइट को विकसित करते हुए देखिए g5 तक पहुँचा दिया, g3 पर नहीं लेंगे इस नाइट को ताल, अभी उन्हें ये डार्क स्क्वायर बिशप चाहिए। मिखाइल ताल ने f5 तक अपने नाइट को पहुंचा दिया है, कुछ देर में क्वीन भी आ जाएगी। क्वीन पर अटैक, क्या पॉन लेने की तैयारी में है ताल? बिना क्वीन की गेम क्या बन जाएगी, या ताल अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया है यहाँ पर? ऐसी नहीं, सेक्रीफाइस करते ताल। चेक, किसी को कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है क्या आपको? तीन पीस इधर तीन पीस उधर, बराबरी की गेम है लगभग। पॉन लेने की चेष्टा, तो फोरिंतोस ने यहाँ पर अपने पॉन को आगे बढ़ा दिया डिफेंस करते हुए, कहाँ से कहाँ तक पॉन को पहुँचा दिया ताल ने। फोरिंतोस भी लगे हुए हैं अपनी क्वीन प्रमोशन के लिए, और इसके बाद हो गया है रिज़ाइन। ऐसा क्यों हो गया है? फिलहाल देखिए फोरिंतोस के हाथी के लिए कोई जगह नहीं बची है, कहाँ जाएगा ये मूव? फोरिंतोस का है तो ये मूव आएगा, और उसके बाद क्या चलेंगे मिखाइल ताल यहाँ पर, या फिर ये मूव ना भी चल के अगर ये भी चला जाए क्या करने वाले हैं यहाँ पर? एक रुक ले लेंगे, रुक के बदले रुक, तब तो क्वीन बन जाएगी। पहले इस पॉन को हटाना है रास्ते से, पॉन हटे तो हटे कैसे? मिखाइल ताल का पॉन है बड़ा ही ख़तरनाक स्क्वायर पर जा बैठा है c7 पर, उसे रोकने का कोई तरीका बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये जो रुक मूव हुआ है ताल का, क्या मूव है, गजब का मूव, इससे बचा ही नहीं जा सकता है। ग्योजो फोरिंतोस इस पॉन को ले लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना रुक दे देंगे, क्या बचेगा उसके बाद? क्या ये उम्मीद रह जाएगी यहाँ पर? लेकिन उम्मीद ज़्यादा कोई काम की नहीं है, ध्वस्त कर देंगे इस चाल से तो मिखाइल ताल। फोरिंतोस ने कुछ देर बैठ कर आकलन करने के बाद रिज़ाइन कर दिया इस पॉइंट से, इस बिंदु से।